नमस्कार, कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार चौधरी। आज की ताजा खबर इस प्रकार। पखठौल पंचायत के वार्ड संख्या 1 की प्रत्याशी शीला देवी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला। खबर अब विस्तार से। खबर बिहार के बेगूसराय जिला के अंतर्गत तेघरा प्रखंड। 12 दिसंबर 11वीं एवं अंतिम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर सबसे अधिक उम्मीदवार इस बार वार्ड सदस्य के रूप में भिन्न भिन्न वार्डों में अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। वैसे उम्मीदवार भी मैदान में हैं जो लगातार किसी न किसी रूप में हर हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहे हैं। ढेर सारे उम्मीदवार इस बार अवसरवादी बनकर मतदाताओं के बीच अपनी अवसर की तलाश में लगे हुए हैं ताकि वार्ड के विकास की योजनाओं का बंदरबांट किया जा सके। जिसका जीता जागता उदाहरण पंचायत के वार्ड संख्या 1 में कुल 5 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी देखी जा रही है। इसी वार्ड से समाज सेवी रामाशीष सहनी की पत्नी शीला देवी ने विगत कई वर्षों से बिना पद पर रहकर अपने वार्ड की सर्वांगीण विकास में बढ़ चढ़कर सरकार की योजनाओं को समाज के बीच वंचित एवं सही लाभुकों के बीच विकास के हर ओसनी को पहुंचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने दर्जनों समर्थक के साथ वार्ड के हर घरों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से आशीर्वाद ली। साथ में रामाशीष सहनी के अतिरिक्त कई सामाजिक कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। फूलकुमारी रानी देवी, सुमन देवी, जया देवी, शीला देवी के साथ कई युवा कार्यकर्ता के रूप में कुंदन कुमार, हिमांशु कुमार, निक्की कुमार, गौतम कुमार, मिथुन चौधरी, सिकंदर चौधरी, बबलू कुमार, उमेश तांती, बाबाजी तांती, भोला तांती, नीरज तांती, जितेंद्र सहनी, जय जय राम चौधरी, सिंटू कुमार के अलावा कई जनसंघ समर्थक अभियान में शामिल हुए और पूरे वार्ड 1 में भ्रमण किए। गली कुची मोहल्ले घूमते हुए मतदाताओं से आशीर्वाद लिए शीला देवी ने। पखठौल वार्ड नंबर 1। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता राम आधार सहनी के साथ अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।